हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता एंड आज आपके लिए एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि डाइट पे वीडियो बनाइएगा। आज मैं डाइट पे तो नहीं बट इन टिप्स को फॉलो करके आपका वेट कैसे लूज कर सकते हो ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। मोस्ट स्पेसिफिकली मैं बात करने वाली हूँ बेली फैट के। आपने देखा होगा बॉडी का बाकी फैट कट करना बहुत आसान है बट बेली फैट बहुत ज़्यादा स्टबन होता है, वो आसानी से कम नहीं होता। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा डाइट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बट आज इस वीडियो में कुछ टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको आपकी बेली फैट कम करने में हेल्प होगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मोम है, जो भी अपनी अभी पोस्टपार्टम जर्नी में है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें इस वीडियो की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ड्रिंक के बारे में। एक नहीं, मैं दो तीन ड्रिंक बताने वाली हूँ जो कि आपको आपकी बेली फैट लूज करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहली एक जीरा वाटर। तो जीरा वाटर कैसे बनाएं? एक ग्लास पानी लीजिएगा, एक पतीले में गर्म करने के लिए रख दीजिएगा, उसमें जीरा डालना है एक चम्मच और उसे उबलने देना है। एक बार अच्छे तरीके से उबल जाता है, एक ग्लास में जीरा छान के पानी पीने का है। लुक वार्म वाटर हमें पीने का है, गर्म पानी बहुत नहीं पीना है, थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देना है। सेकेंड ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी कि एक ग्लास में पानी लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस लेना है, आधा टेबलस्पून जितना उसमें नमक डालना है और घोल के इस ड्रिंक को पीना है। ये दो ड्रिंक्स बता दिए। थर्ड है आंवला जूस। आंवला जूस पीने से आपको विटामिन सी मिलेगा जो कि आपकी बेली फैट को भी कम करने में हेल्प करेगा। अभी आंवला जूस एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए, तो आप अभी के लिए ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तब तक के लिए आंवला जूस को स्किप कर सकते हो। बट एक बार आपकी ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है, इन जनरल जब आप आपकी बेली फैट लूज करना चाहते हो, तब आप आंवला जूस को पी सकते हो। अब ये तीनों ड्रिंक आप अलट पलट करके आज कल कभी ये कभी वो ऐसा पी सकते हो, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आपकी बेली फैट लूज करने के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि दो ड्रिंक अलग अलग नहीं पीनी है, एक ही ड्रिंक में सब कुछ हो जाए, रोज मेरे पेट में सारा जाए, तो एक स्पेशल ड्रिंक मैं आपको बताती हूँ। एक पतीले में एक गिलास पानी लेना है, उसमें जीरा डाल के एक चम्मच उसे उबलने देना है। जैसे ही वो उबल जाता है, ग्लास में पानी छान के लेना और उसमें डाल देना 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस, थोड़ा सा नमक और अदरक घर में हो कद्दूकस करके या फिर कैसे भी उसका थोड़ा सा जूस निकाल के डाल दो। अदरक आपकी सेहत के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही में वेट लूज के लिए भी आपको हेल्प करेगा। थोड़ा सा शहद, अगर आप चाहते हो कि शहद लो, थोड़ा सा टेस्टी बने ड्रिंक, तो थोड़ा सा शहद भी उसमें ऐड कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि नहीं, मुझे पूरा नो शुगर वाला ही डाइट करना है ताकि बहुत जल्दी मेरी बेली फैट कम हो जाए, तो आप शहद को स्किप कर दीजिएगा और वैसे ही आप ड्रिंक लीजिएगा। तो ऐसे दो तीन ड्रिंक्स मैंने बताई जो कि बेली फैट कम करने में बहुत हेल्प करती है। तो आप इसे 1 से 2 महीने के लिए ट्राई करके देखिए और आपका रिजल्ट आप खुद ही देखिएगा कि आपका बेली फैट कम होता है कि नहीं। मैं अभी सेकेंड टिप आपको बताने जा रही हूँ। जब आप डिनर करते हो तो आपका डिनर जो है वो बेड टाइम के 2 आवर्स पहले होना चाहिए। कोई भी डाइटिशियन से आप पूछते हो तो आपको ये सलाह हमेशा मिलेगी कि आपका डिनर एकदम बेड टाइम के टाइम पे नहीं होना चाहिए। आपने कभी सुना होगा शतपावली, तो डिनर के थोड़े टाइम बाद आप शतपावली भी जरूर करिएगा। 100 स्टेप्स ही आपको चलना है, ज्यादा भी नहीं चला जाता है डिनर के बाद, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ये भी बहुत हेल्प करता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिनर में और बेड टाइम में 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। अभी थर्ड टिप ऐसी है कि आपका जो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, वो कैसे होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट आपका बहुत हेवी होना चाहिए ताकि आपको पूरे दिन भर उस ब्रेकफास्ट की एनर्जी मिले। साथ में लंच भी आप हेवी ले सकते हो, बट डिनर आपका लाइटेस्ट मील होना चाहिए दिन का। डिनर में आपने जितना कम खाना खा सको उतना कम खाना खाना है। और एक टिप बता रही हूँ कि जैसे अगर आपके डिनर में नॉनवेज आप ले रहे हो, तो उसे आप राइस या फिर रोटी के साथ नहीं, आप सलाद के साथ लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि लाइट मील होना चाहिए रात का, तो नॉनवेज वैसे ही हेवी हो जाता है, तो उसे आप सिर्फ कोई सलाद लाइक ककड़ी, गाजर, ऐसे सब कुछ सलाद कट करके लो, उसके साथ ले लो नॉनवेज, जो भी आप बना रहे हो, फिश या जो भी चिकन वगैरह ले रहे हो। मतलब आपको राइस एंड रोटी रात में स्किप करना है अगर आप डिनर में नॉनवेज ले रहे हो तो। अभी हम दिन में बहुत बार स्नैक्स खाते हैं, राइट? तो स्नैक्स में आपने ऐसी कोई चटपटी चीजें खा लो, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी स्नैक्स ले रहे हो, लाइक
ब्रेकफास्ट के पहले या फिर ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बीच में अगर ले रहे हो या फिर 4 बजे मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग स्नैक्स प्रेफर करते हैं लेना, मैं भी लेती हूँ, तो उस टाइम में आप ना फ्रूट्स को प्रेफर करिए। तो उस वक्त फ्रूट्स को प्रेफर करने से क्या होगा, कोई चटपटी चीज तेल वाली चीज आपके पेट में नहीं जाएंगी और हेल्दी फ्रूट्स आपके पेट में जाएंगे। तो जब भी आप स्नैक्स ले रहे हो सिर्फ फ्रूट्स लेना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, राइस जो है वो आपकी बेली फैट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा राइस लवर नहीं हो, चपाती से काम चल जाता है, अगर आप मेरी तरह नहीं हो इनफैक्ट, तो आप राइस को अपनी डाइट में से पूरी तरीके से कट कर लो फॉर सम टाइम, लाइक 1 or 2 months। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको आपकी बेली फैट लूज करने में बहुत ज्यादा जल्दी हेल्प होगी। अब नेक्स्ट टिप बता रही हूँ कि आप जब भी कोई एक मील ले रहे हो, जैसे कि लंच ले रहे हो, तो उसमें एक ही बार में 2 proteins नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने पनीर ले लिया और दाल ले लिया, पनीर और दाल दोनों भी प्रोटीन होंगे, प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा हेवी होता है, तो आपको मील ऐसे लेना है जो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो एक साथ 2 proteins कभी भी कोई भी मील में ना हो, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टिप बता रही हूँ कि पानी आपको बहुत ज्यादा पीना है। आपकी बॉडी जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी उतनी ज्यादा आप फालतू की चीजें नहीं खाओगे, और जो भी आप खाना खा रहे हो उसे डाइजेस्ट करने के लिए पानी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको दिन में कम से कम 4 से 5 liters पानी पीना ही पीना चाहिए। 5 liters ना हो पाए तो 4 liters। आपको अगर ध्यान में नहीं रहता तो आप वॉच लगा सकते हो, रिमाइंडर लगा सकते हो फोन में, कैसे भी करके आपको दिन में 4 से 5 liters पानी पीना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी में जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी मील्स ले रहे हो, ब्रेकफास्ट बोलो या लंच बोलो या डिनर, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए आपको पानी बहुत हेल्प करेगा। तो पानी ध्यान से पीना है। अब ना पानी पीने के भी तरीके होते हैं। दिन में तो आप कैसे भी पानी पी सकते हो, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना है पानी पीते वक्त। पानी हमेशा आपको आपके खाने से पहले पीना है, मतलब जब भी लंच कर रहे हो उसके पहले पानी पी लो, मतलब आप एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग ना कर लो, मतलब जितना चाहिए उतना ही खाओगे, इसलिए कोई भी मील से पहले आपको पानी पीना है। उसके बाद कोई भी मील जब आप लेते हो तो मील के तुरंत बाद आपको कभी पानी नहीं पीना है, एटलीस्ट 1 hour का गैप देना है जब भी आप कोई मील लेते हो, उसके बाद ही पानी पीना है। और जब आप पानी पीते हो तो एक बार पूरा पी लो ऐसा जरूरी नहीं है, दिन में थोड़ी थोड़ी सीप में अपने पानी लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे हमेशा। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो मैं बताती हूँ, अगर आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखा ना तो आपके 90% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि डाइजेशन बहुत प्रॉपर रहेगा, आपको हेडेक का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जो भी ले रहे हो वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट होगा, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पानी अच्छा पीने से सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन कभी नहीं होगा अगर आप अच्छा पानी पीते हो। तो मतलब पानी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो जब आप बेली फैट या फिर कोई भी फैट लूज कर रहे हो तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखिएगा, बहुत पानी पीजिएगा। अब मैंने खाने की सारी बातें तो बता दी, नेक्स्ट टिप बता रही हूँ कि आपको वॉक करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिन में एटलीस्ट 1 hour वॉक आपकी हो जानी चाहिए। घर में भी आप जितना घूम सकते हो उतना घूमिएगा, बेबी है, बेबी के साथ जितना खेल सकते हो, खड़े खड़े घूमते घूमते वो कर सकते हो। फिर आपको एक मॉर्निंग वॉक और एक इवनिंग वॉक या फिर खाने के बाद, जो भी जैसा भी पॉसिबल है, आपका जैसा शेड्यूल है उसके हिसाब से टाइम निकाल के आपको 1 hour की वॉक डेली कंप्लीट करना है। और वॉक थोड़ा जोर जोर से कर पाओ ताकि आपका जो बॉडी का फैट है वो कम हो पाए, उससे ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। जोर जोर से वॉक करनी है थोड़ी सी। अभी वॉक करने से आपकी बॉडी थक जाएगी, आपकी बॉडी फैट तो लूज करेगी बट जिस पर्टिकुलर जगह का आप फैट लूज करना चाहते हो वो शायद नहीं हो पाएगा। लाइक आप बेली फैट लूज करना चाहते हो, उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। तो बहुत नहीं बट थोड़ी थोड़ी आप रोज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी को भी 6 months हो चुके हैं तो एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे तो कोई ट्रेनर से एक्सरसाइजेस जान के लो कि स्पेसिफिकली बेली फैट के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख लो जिससे आपकी बेली फैट लूज हो, ऐसे कोई एक्सरसाइज कैसे है वो देख के कर लो, ऐसे जो भी आपके लिए पॉसिबल है वैसे। बट आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी जिससे आपकी बेली फैट लूज हो, एंड आपको वॉक तो करनी ही करनी है, उसमें कुछ
भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, दिन में 1 घंटा वॉक फिक्स। और एक बहुत ही आसान तरीका है बेली फैट लूज करने का, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है आप मसाज जरूर लीजिएगा, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, और जिनकी सी सेक्शन हुआ है वो भी आफ्टर 1 मंथ आराम से मसाज ले सकते हैं। अगर आपको पेट के आजू बाजू में कोई तकलीफ नहीं है तो आराम से आप मसाज ले सकते हो। मसाज से आपका नहीं कुछ तो 50% बेली फैट लूज होगा। तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है ये प्रोसेस आपने स्टार्ट कर लेनी है। एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए आप मसाज लीजिएगा, आपकी बेली फैट में आपको बहुत फर्क दिखेगा। अब मैंने आपके साथ सारे टिप्स शेयर कर दी है जो कि आपको फॉलो करनी है आपकी बेली फैट लूज करने के लिए। इसके अलावा आपने आपका डाइट कैसे रखना चाहिए, डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जिससे आपको आपका वेट लूज करने में हेल्प होगी। जैसे कि राइस को स्कीप करना है, गेहूं की जगह आपने ज्वार की रोटी ली तो वो आपको डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प करेगी और आपका वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करेगी। साथ ही में आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लो अपनी डाइट में। प्रोटीन में क्या क्या आता है तो मूंग की दाल, मूंग को आप ऐसे भिगो के उसमें थोड़ा सा जैसे सैलड जैसे बना के खा सकते हो, या फिर मूंग की दाल हमेशा मतलब रात में मूंग की दाल और ज्वार की भाकरी ऐसा डाइट ले सकते हो। राइस जितना हो सके उतना कम खाइएगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानी बहुत ज्यादा पीना है। फिर प्रोटीन में आप पनीर ले सकते हो, तुअर की दाल ले सकते हो, इनमें हाई प्रोटीन होता है। और हाँ, जैसे कि स्नैक्स मैंने बताया था फ्रूट्स लेना है, उसकी जगह आप मखाना भी खा सकते हो बीच बीच में, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम अगर आप हो तो आपने कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाना चाहिए, तिल खानी चाहिए, जवस आपने सुना होगा फ्लेक्सीड्स, उससे आपको बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हेल्प होगी। फ्लेक्सीड जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के लिए बेस्ट होती है तो वो भी आपने जरूर खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए, घी आपने खाना चाहिए, वो आपकी बॉडी को हमेशा स्मूथ रखता है, आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए हेल्प करता है, तो आप घी जरूर खाइएगा। फिर मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपको बताए, वो भी आपने बहुत मात्रा में खानी चाहिए। मेथी, हरी मेथी बोलिए या फिर वो सूखी दाना मेथी आती है जो बहुत कड़ू होती है, वो भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट मिल्क के लिए आप बोल सकते हो, बहुत हेल्प करेगा, तो वो भी आपके डाइट में आपने इंक्लूड करना चाहिए। फिर आपने ये सब के अलावा मतलब प्रोटीन, पानी, चावल को स्किप करके ज्वार की रोटी, इन सब के अलावा फाइबर्स अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, सलाद लेना चाहिए। तो फाइबर्स में क्या क्या आएगा, आपने ड्रम स्टिक की जो फल्ली होती है बड़ी बड़ी, वो बहुत ज़्यादा फाइबर्स देती है आपको, तो वो खाने चाहिए। ककड़ी में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, खीरा, तो वो आपने खाने चाहिए। गाजर आपने वैसे ही अपने डाइट में रोज लेना चाहिए। उसके अलावा आपने बीट रूट लेना चाहिए, मतलब सलाद जो भी है वो पूरा खाना ही खाना है। इन सभी चीजों से ही आपका पेट भर जाएगा कि आपको खाना खाने के लिए क्या खाऊं समझेगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो रोटी, एक ही रोटी लेने का, चावल नहीं लिया तो चल जाएगा, ऐसा खाना आपका होना चाहिए, मतलब हेल्दी ज्यादा हो, और जंकी तो खाना ही नहीं है, मैदा तो खाना ही नहीं है। तो ये सब अगर आप फॉलो करते हो तब जाके आपका वेट लूज होगा। ये सारी टिप्स मैंने वीडियो में आपको बताई है, इसे आप फॉलो करके देखिएगा, और 2 महीने फॉलो करने के बाद आप ही मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको हेल्प होती है तो। मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट 1 महीना हो गया है और मुझे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मेरी बॉडी में दिख रहा है। और इतना ही नहीं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप आपकी बॉडी का वेट लूज करना चाहते हो तो नो शुगर वाला डाइट कीजिएगा। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, जो भी जंकी है, स्वीट है, वो सब आप अपने डाइट में से निकाल लीजिएगा। मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये सब फॉलो करने के बाद अगर आपका वेट लूज होता है तो वेल एंड गुड, एंड ट्राई करके देखिएगा। आज का ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट विथ योर वेट लॉस जर्नी। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट, इवन आई एम ट्राइंग बेस्ट। एंड जिन्हें इस वीडियो की बहुत जरूरत है उनके साथ वीडियो शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।